वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कमनीर अकेडमी। माय नेम इज सिमरनजोत सिंह एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर सीरीज फॉर क्लास 9th। वी हैव ऑलरेडी डन द कंस्ट्रक्शन चैप्टर अप टू 11.1 एक्सरसाइज। एंड बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 11.2 आई हैव टू एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज। तो क्या चीजें हम करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में? इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने क्या किया, वी हैव कंस्ट्रक्टेड एंगल्स यूजिंग compass only, compass and scale only, okay? But in this one we will construct triangles now. कैसे ट्राइंगल्स होंगे? हमें कोई एक साइड दी होगी, सपोज एक ट्राइंगल है, कंस्ट्रक्ट करना भी हुआ नहीं ऐसे, मतलब कि ऐसे कोई भी एक ट्राइंगल एबीसी होगा, उसकी एक साइड दी होगी, जैसे कि सपोज बीसी दिया होगा आपको, कुछ ना कुछ एक एंगल दिया होगा, एंगल बी या एंगल सी दोनों में से कोई एक, अगर बी सी दिया तो इन दोनों बी या सी में से कोई एक एंगल दिया होगा, ओके वो दिया होगा आपको कुछ ना कुछ, और बाकी दो साइड जो बचती है ना ये वाली, इन दोनों का सम दिया होता है, या फिर ए बी प्लस ए सी दिया होता है, या फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्ट दिया होता है, डिपेंडिंग अपॉन दोनों में से बड़ी साइड कौन सी। अगर ए बी बड़ी है, ए बी माइनस ए सी आपको दिया होगा, अगर ए सी साइड बड़ी है तो ए सी माइनस ए बी दिया होगा। तो इन दोनों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी प्लस वाले में तो जैसा मर्जी आपको आ जाए क्वेश्चन एक ही तरीके से बनाना है, ओके? तो ये जो क्वेश्चन है, और एक और होती है जिसमें आपको तीनों साइड्स का सिर्फ सम ही दिया होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी दिया होता है, तीनों साइड्स का सम या पेरीमीटर बोल लो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया होता है, और दो एंगल्स दिए होते हैं, कोई दो एंगल्स आपने ए बी और सी दिए हो सकते हैं, या बी और ए दिए हो सकते हैं, सी और ए दिए हो सकते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है? तो हम अभी बनाएंगे इसको, बनाने कैसे ट्राइंगल्स को वो अब डिस्कस करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। जैसे जैसे हम सम्स करते जाएंगे ना, तो वैसे वैसे आपको ये समझ भी आता जाएगा। एक एग्जाम्पल है, जस्ट एक एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल से पहले, वो एग्जाम्पल हम बाद में करेंगे, पहले नहीं करेंगे, अभी पहले हम सम्स करेंगे इस एक्सरसाइज के, ओके? तो अभी इसका कुछ नोट डाउन करने वाला है नहीं, मूव ऑन करते हैं सम्स पे, ओके? जैसा कि मैंने आपको बताया था, सम्स में ही आपको पता चल जाएगा किस तरह के ट्राइंगल्स आते हैं बनाने हैं और कैसे बनाने हैं। तो पहला सम वैसे इजी है, देखते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी इन विच बीसी इज 7 सेंटीमीटर, एंगल बी मैंने बताया था जो साइड दी होती है ना उसी के रिलेटेड एंगल दिया होता है, एंड या बी या सी दिया होगा दोनों में से कोई, एंड बी ए बी प्लस ए सी जो बी सी के अलावा बाकी दो साइड से उनका सम दिया हुआ है। तो मैंने आपको जो बताया था ना अभी कैसे ट्राइंगल्स दिए होंगे, तो वैसे ही अब बनाना है कैसे इनको, ये देखिए। पहले तो आपने एक बी सी लाइन अपनी कॉपी पे नीचे से थोड़ा नीचे करके ड्रॉ करनी है, क्योंकि ये लाइन आपकी ना 13 सेंटीमीटर बहुत लंबी जाएगी ऊपर, तो इसके हिसाब से आपने कॉपी में अपनी नीचे ड्रॉ करना है इसको। यहाँ पे मैं मेरा बोर्ड तो बड़ा है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ, ज़्यादा नीचे भी नहीं ड्रॉ करना, आप हाफ से थोड़ा सा नीचे रहना है, हाफ से थोड़ा नीचे। तो एक आपने बी सी ड्रॉ कर लेनी है 7 सेंटीमीटर लाइन, उसके बाद मैंने बोला है 75 डिग्री एंगल। अपने कंस्ट्रक्शन में हमने सीखा कि 75 कैसे बनता है, विदाउट यूजिंग डी आपने बनाना है, प्रोट्रैक्टर को यूज किए बिना कंपास के साथ आपने यहाँ पे कंपास का पॉइंट रख लेना है, ठीक है? जब अगर आप सी एंगल दिया होगा तो आपने ऐसे बनाना है इसको, तो आपके जीरो एंगल यहां से स्टार्ट हो रहा होगा, तो दैट मीन्स आपकी पहली आर्क लगाएंगे आप 60 होगी, दूसरी आर्क 120, यहां से ऐसे कहते हैं ना, जैसे एंगल का मुंह ऐसे खुल रहा है, अगर ऐसे बन रहा है इधर से जीरो स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे अगर खुल रहा होगा तो दैट मीन्स जिस तरफ लाइन है ना ड्रॉन नीचे वाली बेस लाइन जिसका एरो जिस तरफ है तो वो होता है जीरो डिग्री, उधर से ऐसे खुल रहा है तो जीरो से लेके 120 तक ऐसे होगा। अगर ये एंगल है इस तरफ से आपने बनाना है, मतलब कि आपने बनाना इस तरफ है, इसका मुंह खुला किस तरफ हुआ इधर, तो अब ये ऐसे खुलेगा लाइक दिस, जहां पे भी एंगल आपका जो भी बनाने को बोला होगा ऐसे पूरा खुलेगा। तो क्या करना है आपने, कि यहां से जीरो डिग्री स्टार्ट हो रहा है 60, यहां पे 45-60 बीच में आ रहा है, ऐसे 90 आएगा और 120-180 दूसरी तरफ आएगा, इस बात का ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं 60 डिग्री बोलते हैं ना उनको, तो यहां पे भी ऐसे आर्क लगा के इधर 60 डिग्री बना देते हैं, जो कि गलत है क्योंकि इधर तो लाइन है ही नहीं, तो 60 कैसे हुआ, ये नहीं हुआ ना, लाइन तो इधर है, इसके अकॉर्डिंगली देखेंगे डी पे रख के, तो ये तो 120 बन जाएगा आपका। इसका ध्यान रखना है लाइन किस तरफ है, उसका मुंह किस तरफ है, उसके हिसाब से आपका एंगल होगा।
75 बनाना है हमने, तो आपको ऑलरेडी पता है आपने ऐसे आर्क लगा ली, आर्क को कम नहीं करना, जितनी प्रकार आपकी कंपास खुली हुई है उतनी खुली रहने देनी है। यहाँ पे रख के पहली आर्क लगाएंगे आप, तो वो कौन सी होती है 60 डिग्री की, फिर यहाँ पे जहाँ 60 डिग्री वाली पे रख के आगे वाली लगाएंगे, क्योंकि अगर ये 60 डिग्री है तो 60 प्लस 60 दूसरी आर्क ऑब्वियसली 120 की होगी। तो फिर आपने, हमने क्यों बनाया 120 की आर्क तक, क्योंकि 75 बन रहा है 90 और 60 के बीच वाले में, 90 और 60 के बीच में होता है, तो हमें 90 एंगल चाहिए, इसलिए हमने दोनों आर्क लगाई हैं। ओके, तो इसको अभी छोटा छोटा सा ऐसे ज्यादा बड़े नहीं करने, ये डॉटेड लाइंस। फिर आपने 90 डिग्री वाला बनाना है, यहाँ पे रख के ऐसे आर्क लगाते ना, अब वो प्रकार जो आपकी खुली थी अब वो कम ज्यादा कर सकते हो आप, अब आपके 60 और 120 तक आप पहुंच चुके हो। अब यहाँ पे रखना है कंपास को, इसका देखो कितना डिस्टेंस है, हाफ से ज्यादा खोल लो, चाहे फुल से भी ज्यादा खोल लो, ऊपर आर्क लगानी है, उतनी ही खुली रहने देनी है। अब यहाँ पे रखनी है आपने कंपास का पॉइंट और ऐसे आर्क लगा देनी है, सभी डॉटेड बनानी है क्योंकि मेन एंगल 75 है, तो अभी डॉटेड ही चलेंगी। इन दोनों के बीच में आता है 75, 90 और 60 के बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में, 60 से 15 डिग्री ज्यादा है, 19 से 50 डिग्री 15 डिग्री कम है, तो दैट मींस इसका बाइसेक्टर है 75 यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी कंपास रखी, हाफ से भी चाहे फुल से भी ज्यादा खोल लो ताकि आपकी इजीली आर्क लग सके, और यहाँ पे इसको वहीं पे उतनी ही प्रकार खोली रहने देनी, यहाँ पे रख के इसको ऐसे क्रॉस कर लेनी, आपकी आर्क जो है वो सही लगनी चाहिए। अब ये इसको हम बड़ा करेंगे, ये लाइन जो है हमारी 75 डिग्री को डिनोट कर रही है क्रॉस, तो ऐसे हम इसको बढ़ाएंगे ऊपर तक। आपने अपने स्केल से इस लाइन को 13 से थोड़ा ज्यादा बना लेना है, चाहे 14 ही बना लो, अंदाजा मैं तो अंदाजे से बना सकता हूँ ना यहाँ पे, तो मैं मान रहा हूँ चलो इतना 14 होगा, आपकी अपनी कॉपी पे देखना ना कैसे है। तो आपने इसको आगे तक बढ़ा दिया, इसको नाम दे दो एक्स, ठीक है, एंगल बन गया एक्स बी सी। अब आपको दिया ए बी प्लस ए सी 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, बी पॉइंट पे यहाँ पे कंपास रख के, अब इतनी बड़ी कंपास खोलोगे 13 सेंटीमीटर जितनी, तो क्या करो पहले ही स्केल रख के 13 पे आर्क लगा लो, 13 पे पॉइंट लगा लो कि यहाँ तक बनेगी, तो ईजी हो जाएगा आपको अपनी कंपास खोलना, यहाँ पे रखी है यहाँ तक खोल लेनी है, जहाँ तक आपने पॉइंट लगाया 13 सेंटीमीटर का मार्क लगाया, तो ऐसे आर्क शो कर देनी है आपने, आर्क ये ऐसे बनेगी छोटी सी ज्यादा बड़ी, तो ये होगा आपका डी पॉइंट, आर्क लगा दी 13 सेंटीमीटर पे, अब डी पॉइंट को जोड़ दो सी के साथ, डी पॉइंट को सीधा स्केल के साथ आपने सी के साथ जोड़ देना है, ठीक है। नाउ आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिखाया था कैसे बनाना है, अब इस लाइन का आपने बनाना है डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ऑब्वियसली वो ऐसे इसको क्रॉस करेगा, ऐसे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको ऐसे क्रॉस करेगा बिल्कुल सेंटर में से, तो यहाँ ऑब्वियसली एक आर्क यहाँ पे बनेगी, दूसरा क्रॉस यहाँ पे बनेगा। आपने कंपास यहाँ पे रखनी है डी पॉइंट पे, अंदाजा लेना है, अंदाजे से हाफ से थोड़ी ज्यादा खोल लेनी है, इधर आर्क लगानी है एक, इधर लगा लेनी है, इसी तरह से यहाँ पे कंपास रखनी है, जितनी पहले खोली थी उतनी खुली रहे, कम नहीं करनी, यहाँ पे क्रॉस कर दिया इसको, यहाँ पे क्रॉस कर दिया, क्रॉस करने के बाद इनको कर दो ज्वाइन, हो सकता है मेरा डायग्राम आपसे थोड़ा सा डिफरेंट बने क्योंकि मैं अंदाजे से बना रहा हूं, आपने प्रॉपर बनाना है, ठीक है। तो ये ऐसे क्रॉस कर जाएगा इसको, यहां पे क्रॉस कर रहा है ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, ठीक है। यहां पे इस लाइन को, बीडी लाइन को जहां पे ये क्रॉस कर रहा है उसको आपने ए नाम दे देना है, तो दैट मींस आपने इसको ऐसे ज्वाइन कर देना, तो आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल ये है। आप चेक कर सकते हो बीसी और एसी की जो भी मेजरमेंट होंगी, दोनों को मेजर करो स्केल के साथ, ऐड करके देखो, आपने वैसे लिखना भी है यहाँ पे ए बी आपका कितना है, बी सी कितना है, हो सकता है आपका पॉइंट्स में थोड़ा बहुत फर्क पड़े, पर ए बी प्लस बी सी 13 आना चाहिए, कई बच्चों का दोनों ऐड करके ए बी प्लस बी सी 13 नहीं आता, या तो वो 20.7 या 9 आ जाता है,
तो यहाँ फिर 13 से भी ऊपर चला जाता है। तो आपने अपने हिसाब से इसमें इन दोनों की मेजरमेंट में थोड़ा बहुत आगे पीछे खुद कर लेना है, क्योंकि आपकी मेजरमेंट में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा बहुत तो चलेगा, ज़्यादा डिफरेंस एक एक सेंटीमीटर का डिफरेंस नहीं चलेगा, पॉइंट्स वाला चलेगा, 0.12 0.13 तक चलेगा, ठीक है। तो इसका सम 13 सेंटीमीटर लिखना है आपने, ये दोनों सम करके 13 आना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर आपका ये आ रहा है 7 पॉइंट समथिंग और ये आ रहा है, सॉरी ये कितना टोटल 13 था ना, अगर ये आपका 5.6 आ रहा है और ये आपका 7.5 आ रहा है, तो ऐड करने पे 13.1 बन रहा है ये, है ना। तो आपने क्या करना है, चाहे चाहे इसको कम कर दो, 7.4 लिख दो, चाहे आप इसको मत कम करो, इसको कम कर दो, मतलब कि आपका 1.1 ज्यादा है, तो उसको दोनों में से कोई चीज एक को कम करके आपने लिख देना है कि आपका ये आंसर आ गया। असल में ये शायद ये नहीं आएंगी, ये मेजरमेंट्स आपकी डिफरेंट आएंगी, तो आपने खुद मेजर करनी है वो, ठीक है। ए बी और ए सी आपकी कितनी है, ए सी सॉरी ए सी आएगा, जाना ठीक है। ये था आपका कंस्ट्रक्शन इस फर्स्ट सम का। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके लिखाने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। तो आपने बाकी जो सम्स हैं उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन खुद लिखने हैं। देखिए क्या है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, आपने जैसे जैसे कंस्ट्रक्ट किया ना वैसे वैसे लिख देना है। फर्स्ट पॉइंट पे आपने क्या क्या किया था, बीसी लाइन कंस्ट्रक्ट की थी, वो लिखनी है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट थी ना बीसी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और फिर आपने बी पे क्या किया, 75 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया, एट बी कंस्ट्रक्ट करना है कौन सा एंगल, एक्स बी सी 75 डिग्री, कंस्ट्रक्ट एंगल एक्स बी सी इज इक्वल टू 75 डिग्री। कंस्ट्रक्ट आप कैसे कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, अकेली अकेली आर्क नहीं बताने की जरूरत है, कंस्ट्रक्शन पता ही कैसे होती है वो आपने सीधा लिख देना है, क्योंकि आप पिछले एक्सरसाइज में फुल कंस्ट्रक्शन बता चुके हो कैसे होती है इसकी। थर्ड आपने फिर क्या किया, बी पे रख के और बी एक्स जो लाइन है उस पे आपने 13 सेंटीमीटर का मार्क लगाया, टेकिंग बी एज सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क डी ऑन बी एक्स, एक आर्क लगानी है आपने डी बी एक्स के ऊपर, ठीक है। टेकिंग बी एज सेंटर, हम सेंटर क्यों लिख रहे हैं इसको, आर्क को सेंटर और रेडियस वाली क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था आर्क क्या होती है, सर्कल का ही कुछ एक पार्ट होती है, छोटा सा पार्ट। तो दैट मीन्स इसीलिए इसको हम सेंटर लिख रहे हैं और इसको रेडियस लिख रहे हैं 13 सेंटीमीटर को, क्योंकि ये अगर कंप्लीट करेंगे तो पूरा सर्कल बन रहा है ना, सर्कल का पार्ट है ये, इसलिए हम रेडियस लिख रहे हैं, ठीक है। रेडियस इसको 13, ड्रॉ एन आर्क डी ऑन बी एक्स, बी एक्स के ऊपर एक आर्क डी लगा देनी है आपने। उसके बाद आपने क्या किया था, आपने किया था ज्वाइन डी सी, डी सी को ज्वाइन करने के बाद आपने क्या किया, डी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ज्वाइन डी सी एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। उसके बाद आपने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका बीडी लाइन को एट पॉइंट ए कट आउट कर रहा है, विच इंटरसेक्स बीडी एट ए, बीडी को एट ए पॉइंट कट कर रहा है। ज्वाइन किया फिर आपने एसी को, ज्वाइन ए सी, उसके बाद हैंस ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, तो ऐसे ही पॉइंट्स होंगे कुछ, बस थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा और कुछ नहीं है बस। तो ये पॉइंट्स मैं लिखे रहने दूंगा यहीं पे, यहाँ पे फिगर चेंज करते रहेंगे, क्वेश्चन चेंज करते रहेंगे, ओके। तो ये आप कर लीजिए नोट डाउन, वीडियो बैक करके स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बनाया वैसे बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट करते हैं अब हम सेकंड क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जिस स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है ना पिछले क्वेश्चन के ही, इसमें चेंजेस करेंगे हम, डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या चेंजेस होंगी वो हम यहाँ पे बाद में करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी इन विच बीसी अब 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंगल बी 45 दिया हुआ है, और अब दिया हुआ है ए बी माइनस ए सी 3.5 सेंटीमीटर। तो जब माइनस वाला होगा ना वो ध्यान में रखना है आपने, एक रफ में ना डायग्राम बना लेना है एबीसी का, ठीक है, एबीसी का डायग्राम बना लेना है। अगर तो आपको दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड, तो सेम जैसे हमने इसको बनाया ना प्लस वाले को, वैसे ही सेम नेगेटिव वाले में भी बनाना है। बट अगर आपको दिया हुआ है राइट हैंड साइड मतलब कि एसी माइनस ए बी, तो हमने आर्क नीचे लगानी है, वो नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको मैं क्लियर कर पाऊंगा। अभी जो हमने पहले बनाया ना सेम वैसे ही बनाना है, बस इसका क्या है आर्क थोड़ी छोटी लगेगी अब 3.5 पे, ठीक है। तो क्या करना है आपने, बीसी बनानी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, एंगल बी 45 कंस्ट्रक्ट करना है आपने वैसे ही, पहली आर्क दूसरी आर्क, ठीक है, वैसे ये आर्क में से डॉटेड लाइन निकालने की जरूरत नहीं है, हमने तो जस्ट 90 डिग्री तक की जरूरत होती है ना, उसका वो कहां से निकला पता होना चाहिए। 45 होता है 90 का हाफ, सो अब हम 90 का बाइसेक्टर बनाएंगे यहां पे रख के, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना 45 का बाइसेक्टर, 90 का बाइसेक्टर कैसे बनेगा, तो अब आप खुद बना सकते हैं। ये भी हमने थोड़ी सी बड़ी बनानी है, कोशिश करते हैं यहां तक बना लेते, चलो एंगल ऑफ 45 बनना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ए बी माइनस ए सी 3.5 दिया हुआ है, तो आपने बी पे रख के कंपास को स्केल के साथ पहले पॉइंट लगा लो, यहाँ पे कहीं पे होगा सपोज, ठीक है, 3.5, तो इसको आपने डी लिखना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे रख के स्केल यहाँ तक को अपनी प्रकार खोल लेनी है, ऐसे आर्क लगा देनी है, आर्क शो करना जरूरी है, चाहे आप स्केल के साथ पॉइंट लगा भी सकते होंगे बट आर्क शो करना जरूरी होता है, ठीक है। अब देखिए आपके पास डी आ गया, उसके बाद हमने पिछले वाले में क्या किया था, डी को सी के साथ ज्वाइन किया था, अब भी वही करेंगे। फिर हमने क्या किया था, डी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था, अब भी वही करेंगे। डी सी का आपने क्या करना है, यहाँ पे हाफ से थोड़ा ज्यादा खोल के ऊपर और नीचे आर्क लगानी है, फिर यहाँ पे रख के उतनी ही प्रकार खुली रहने देनी है, यहाँ पे और नीचे आर्क लगानी है। अब देखिए वो उसमें क्या हुआ था, वो बी डी लाइन को कहीं पे टच करी थी, पर बी डी तो छोटी है यहाँ पे टच नहीं कर पाएगी, एक्सटेंडेड बी डी पे तो टच कर लेगी ना, इसको आगे बढ़ाएंगे अगर जब, यहाँ पे टच कर रही है इसको आगे जब बढ़ाया, तो ये आपका आ जाएगा पॉइंट ए। तो ये ज्यादा बड़ी बन गई थी, इसको छोटा कर लेते हैं, बाद में आप छोटे कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, ए को सी के साथ ज्वाइन किया था, वो अब भी वही करेंगे। मतलब जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड माइनस बता रहे हैं ना, तो हम वही प्रोसीजर चल रहा है, बट उसमें क्या था, आर्क जो है बीडी के बीच में कहीं पे टच की थी, ये बीडी के बाहर टच कर रही है उसको, तो इतना फर्क पड़ेगा माइनस वाले में, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड माइनस होगी तब, ओके। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम, हमने पहले क्या किया, 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, फिर एक्स बी सी बनाया 45 डिग्री, ठीक है, बी एस सेंटर लेके हमने उसको 3.5 पे इंटरसेक्ट किया, डी पॉइंट नाम दिया, ज्वाइन किया हमने डी सी को एंड उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया विच इंटरसेक्ट्स। अब देखिए ये BD को नहीं BX को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट A, तो यहाँ पे विच इंटरसेक्ट BX एट A आएगा। फिर हमने AC को ज्वाइन किया, हेंस द ट्रायंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। इसमें भी आपने उन्होंने बोला AB माइनस AC 3.5 है, AB निकालना है कितना है, स्केल के साथ देखना है, AC की लेंथ फाइंड आउट करनी है, दोनों को माइनस करके 3.5 आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं आ रहा होगा थोड़ा बहुत फर्क जो होगा आपने कवर अप कर लेना, जैसे हमने मैंने आपको बताया था प्लस वाले में करना है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड सम। इसके बाद थर्ड और जो फोर्थ सम है वो थोड़ा, हाँ उसके रिलेटेड एग्जांपल मैं करवाऊंगा आपको, फोर्थ सम आपने खुद कर लेना है, और एक लास्ट सम आपके लिए मैं छोड़ूंगा, ठीक है, इसे आप कर लीजिए नोट डाउन। नेक्स्ट सम करते हैं हम, अभी भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वही है, ये मत नोट कीजिएगा, पहले हम सम्स बनाएंगे कैसे बनाना, ड्रॉ कैसे करना है, उसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप बोलेंगे फिर वही माइनस वाला दोबारा करवाया, इसमें थोड़ा सा फर्क है, मैंने आपको बताया था जब लेफ्ट से राइट माइनस हो तो हमने पहले जो डायग्राम बनाया तब वैसे करना है। अब हमने रफली एक पी क्यू आर डायग्राम बनाया, अब हमें राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस दी हुई है,
पी आर माइनस बी क्यू 2 सेंटीमीटर दी हुई है। जब भी ऐसे दिया होगा ना पी आर माइनस बी क्यू या ए सी माइनस ए बी राइट राइट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस दी होगी, तो आपने क्या करना है इसको जो आर्क हम 2 सेंटीमीटर ऊपर लगा रहे थे या 3.5 पहले ऊपर लगाई थी, अब वो नीचे लगाएंगे। वो क्या चीज है असल में देखिए आप ध्यान से, 6 सेंटीमीटर लाइन बोलिए क्यू आर, थोड़ी छोटी बना दे 6 सेंटीमीटर, एंगल बी 60 बोला है, सॉरी एंगल बी नहीं क्यू है ये, एंगल क्यू 60, आर्क लगा के जो पहली आर्क लगाते हैं हम वो क्या होती है 60 की होती है, तो हम वही आर्क को आगे बढ़ाते हुए ठीक है 60 डिग्री बन गया। इसको x लेते हैं x क्यू आर, ओके पी आर माइनस पी क्यू, मैंने बताया आर्क नीचे लगानी है, उसका मतलब क्या होगा अब इस लाइन के ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ इसको बढ़ा लेना है आपने, थोड़ा क्यू को साइड में कर देते हैं, इसको नीचे की तरफ बढ़ा लेना आपने 3 सेंटीमीटर तक बढ़ा लो, क्योंकि वाई जो हमारे पी आर माइनस बी क्यू 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो अब आपने क्या करना है क्यू पे रख के नीचे को आपने 2 सेंटीमीटर पे डी मार्क लगाना है, नीचे को यहाँ पे रख के नीचे को 2 सेंटीमीटर पे मार्क लगाना है। उसके बाद डी को हम किसके साथ ऊपर लगाते थे तो किसके साथ ज्वाइन करते थे राइट हैंड साइड वाले पॉइंट के साथ, यहाँ भी इसको एस के साथ ही ज्वाइन करेंगे। उसके बाद जो हम यहाँ पे ज्वाइन करते थे उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते थे, इसका भी बनाएंगे डी आर का, हाफ से ज्यादा खोल लेनी है, यहाँ पे आर्क लगेगी एक यहाँ पे और फिर से इसको क्रॉस कर देंगे ठीक है। इसको जब हम करेंगे ज्वाइन तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो इस लाइन को क्यू एक्स को जहां पे टच कर रहा है उसको आपने मार्क कर लेना है, क्योंकि वो अपर पॉइंट आपका पी है तो ये आपका पी पॉइंट है, पी को आर के साथ ज्वाइन कर देना है, आपका ट्राइंगल पी क्यू आर जो है बन जाएगा। देखिए दिखने में पी आर साइड बड़ी लग रही पी क्यू छोटी लग रही ना, अभी तभी आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे 2 सेंटीमीटर आएगा, इसलिए मैंने आपको बोला था कि इसको नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। अगर आप इसको ऊपर की तरफ 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करते कटिंग करते तो इसको ज्वाइन करने के बाद आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते तो ये इस लाइन को मीट ही नहीं करता, वो साइड साइड में जाता रहता। ट्राई करके देख सकते हैं, अगर आप ऊपर नीचे आर्क लगाने के बजाय ऊपर लगा के देखें जोड़ के उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएं, आपका ये ट्रायंगल जो है ना बनेगा ही नहीं, ये लाइन सीधी जाती रहेगी, ये लाइन टेढ़ी जाती जाएगी, अलग दूर होती जाएगी, बनेगा ही नहीं वो ओके। तो इस केस में आपने कैसे बनाना है मैंने आपको बताया नीचे आर्क लगा के। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की बारी आती है, हमने इसमें पहले क्यू आर लाइन सेगमेंट ड्रॉ की 6 सेंटीमीटर, फिर हमने एड क्यू कंस्ट्रक्ट किया एंगल एक्स क्यू आर कितना 60 डिग्री, टेकिंग क्यू एज अ सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क डी, डी आर्क ड्रॉ की हमने ऑन बी एक्स नहीं आएगा अब ऑन एक्सटेंडेड एक्स बी सॉरी एक्स क्यू ऑन क्यू वाई ठीक है, ये लिख देते हैं डी ऑन एक्सटेंडेड एक्स क्यू टू वाई। उस कहां पे बनानी है आपने डी आर्क जो कि एक्स क्यू को वाई तक एक्सटेंड किया है उस तरफ को आपने डी आर्क बनानी है, एक्सटेंडेड एक्स क्यू टू वाई ऑन ज्वाइन किया किया से हमने डी आर को ज्वाइन किया एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच इंटरसेक्स किसको इंटरसेक्ट करा है ये क्यू एक्स एट ई ज्वाइन पी आर एंड ट्राइंगल पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। इसमें भी आपने पी क्यू की मेजरमेंट क्या है वो निकालनी है, पी आर की मेजरमेंट क्या है वो निकालनी है और पी आर माइनस पी क्यू करके देखना है 2 सेंटीमीटर आएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो अगर आपने वो एडजस्ट कर लेना है ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट करते हुए, ये थर्ड क्वेश्चन था सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, फोर्थ क्वेश्चन के जैसा एग्जाम्पल करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन आपने खुद करना है ओके। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, वी विल डू द एग्जाम्पल वन दैट वी हैव लेफ्ट बिफोर दिस एक्सरसाइज। तो मैं एग्जाम्पल वन जो है मैंने क्वेश्चन भी साथ में लिख दिया जो हमने क्वेश्चन आपने खुद करना है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 जो आपने खुद करना है, मैं कंस्ट्रक्शन करवाने वाला हूँ जो एग्जाम्पल वन की है ठीक है। इसी के जैसा सेम सम है जो हमने ऊपर वाले में कर रहे हैं वो नीचे वाले में भी करेंगे।
और कई बार क्या होता है ये चीज जो दी है ना हमें तीनों साइड्स का सम ऐसे दिया हुआ इक्वल टू 11, इसकी जगह भी लिखा होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब भी वही हुआ ना, तीनों सम तीनों एंगल्स का सम, पेरीमीटर इज 11 सेंटीमीटर, कई क्वेश्चंस में ऐसे दिया होता है, तो वो ध्यान में रखना है। पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड्स का सम दिया हुआ है। ओके, तो उसमें क्या है, ऊपर वाली एग्जांपल हम करने वाले हैं, एंगल बी और सी दिए हुए हैं और हमें तीनों साइड्स का सम 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है 11 सेंटीमीटर की ऐसे लाइन लगा देनी है, क्योंकि 11 सेंटीमीटर वाली लाइन है जो वो एबीसी ट्रायंगल हम बनाने वाले हैं, तो इनमें से ए बी और सी में से कुछ भी नहीं यूज कर सकते, कुछ और लिखो, क्यू आर लिख लो इसको, क्यू आर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ओके, और उन्होंने बोला है 60 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ट्रायंगल अगर एबीसी बनाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में बी आएगा, राइट हैंड साइड में सी आएगा, तो एंगल बी 60 है, एंगल सी 45 है, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे हम पहले 60 डिग्री एंगल बनाएंगे, यहां पे 45 बनाएंगे, पहले जो ओरिजिनल ट्रायंगल एंगल्स बोले गए ना वो बनाने हैं, पहली आर्क होती है जो 60 की होती है, थोड़ी कम लग गई, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है इसको, छोटा ही बनाना है, ठीक है 60 डिग्री बन गया, अब 45 बनाना है हमने, 45 कैसे बनता है, सही नहीं बन रहा ये, चलो आर्क लगा देते हैं यहाँ पे, रख के पहली आर्क 60 की, दूसरी 120 की, और हमें 90 एंगल पहले चाहिए तभी 45 बनेगा, तो अभी 90 बनाते हैं डॉटेड लाइन से, उसके बाद 45 बनाना है, तो इधर की तरफ बनाना है क्योंकि इधर इसका लाइन का मुंह इधर खुला हुआ ना एंगल का, तो इधर की तरफ 45 बनेगा ना कि उधर, तो इसके यहाँ पे रख के हाफ से ज़रा खोल के पहली आर्क दूसरी फिर यहाँ पे, और 45 डिग्री एंगल बन गया आपका, ये देखिए मैंने बताया था अभी जो एग्जैक्ट एंगल्स हैं करेक्ट एंगल्स वही दोनों तरफ बना लिए हमने। ओके, अब क्या करना है, आपने जो एंगल्स आपको दिए गए थे वो बनाने के बाद अब इनका बाइसेक्टर बनाना है एक्चुअल एंगल्स का, 60 का बाइसेक्टर बनाएंगे 30, ये जो बाइसेक्टर बनेगा ना इसको बढ़ाना आगे, एक्स लिखेंगे इसको एक्स क्यू आर, क्योंकि एक्स वाई जेड तो हमारा ट्रायंगल ही ना, एक्स लिख सकते हैं हम इसको, या फिर इसको P लिख लो, चलो ओके P लिख लो, पी क्यू आर एंगल, इसका भी बाइसेक्टर बनाना आपने, यहां पे रख के ऐसे आर के एक दूसरी ऐसे, क्रॉस कर देना है दोनों को, पी क्यू आर हो चुका है, S लिख लो इसको S R Q, दे बोथ इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, कहीं पे ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, उसको आपने क्या नाम देना है, आपका जो ट्रायंगल है एबीसी उसका जो अपर पार्ट है वो ए है ना, तो ये जहां पे क्रॉस कर रहे हैं उसको आपने ए नाम देना है। अब आपके ट्रायंगल का एक वर्टेक्स आ गया वो यहाँ पे होगा, ठीक है, अब क्या करना है आपने ए और क्यू और ए और आर इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, ए क्यू का पहले बनाओ, ए क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे क्रॉस करेगा ना इसको, ठीक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ऊपर आर्क नीचे आर्क, इसको क्रॉस किया उसको भी क्रॉस किया, हो सकता है मेरा थोड़ा बहुत गलत बन जाए, आपने सही कर देना है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, जहां पे ये क्रॉस कर रहा है वहां पे इसको ज्वाइन कर देना है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया मुझसे, ठीक है यहां पे कट करेगा ये, ठीक है जहां पे ये इस लाइन को क्रॉस कर रहा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसको ज्वाइन कर देना है, नाम लिख देना बी, अब आपका लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट भी आ गया बी, इसी तरह से आपने इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, ऊपर नीचे आर्क क्रॉस कर दिया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बार बार नहीं बताने वाला हूं मैं, अगर किसी बच्चे को नहीं पता चल रहा है ये कैसे बन रहा है तो आप मेरी पिछली वीडियो का लिंक मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा, टेढ़ा बन गया, आपने तो स्केल के साथ बनाना है तो आपका सही बनेगा, तो ये जो जहां पे क्रॉस कर रहा है ये है आपका सी पॉइंट, इसको भी ज्वाइन कर दो, अब आप इनको मेजर करेंगे ना ये 60 डिग्री अपने आप बनेगा, ये भी 45 बना होगा,
आपका सही बनेगा, मेरा थोड़ा सा गलत हो सकता है बना हो, तो ऐसे बनाना है इसको। ठीक है, जो जो हमने किया वैसे वैसे का स्टेप्स लिख देने इसके। पहले हमने क्यू आर बनाई कितनी, 11 सेंटीमीटर। ड्रॉ लाइन सेगमेंट क्यू आर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने किया क्यू के ऊपर आपने इसको नाम नहीं दिया कुछ भी अभी तक, कंस्ट्रक्ट किया था ना 45, इसको नाम नहीं दिया, इसको लिख लो आप एक्स एक्स क्यू आर एंड वाई आर क्यू। एंगल्स आपने दो बनाए थे, एट क्यू एंड आर ड्रॉ या कंस्ट्रक्ट, सॉरी ड्रॉ नहीं, क्योंकि ड्रॉ करना मतलब वो प्रोट्रैक्टर के साथ भी हो सकता, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम। एट क्यू एंड आर कंस्ट्रक्ट एंगल एक्स क्यू आर इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल वाई आर क्यू इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमने कंस्ट्रक्ट किया था ना वाई आर क्यू, है ना वाई आर। उसके बाद आपने क्या किया, परपेंडिकुलर सॉरी इनके बाइसेक्टर्स बनाए, तो वैसे इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है फिर तो, अगर बाइसेक्टर्स बना रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना जहां पे, उसको लिखने की जरूरत है। आपने फिर थर्ड पॉइंट क्या किया, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स क्यू आर एंड एंगल वाई आर क्यू विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए, एक दूसरे को एट ए पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हो गया। उसके बाद आपने क्या किया था, आपने क्यू ए और आर ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ क्यू ए एंड आर ए, क्यू ए और आर ए के आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाए जो के क्यू आर को एट बी एंड सी पॉइंट पे टच कर रहे हैं। क्यू ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी पे टच कर रहा है, क्यू आर ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट पॉइंट सी टच कर रहा है, विच इंटरसेक्स क्यू आर एट बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपने फिर उसके बाद क्या किया, ज्वाइन किया ए बी एंड ए सी को, हेंस जो ट्रायंगल बना फिर, हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गया हमारे पास ए बी सी जो उन्होंने बोला था। तो ये देखिए आपका जो एक्स वाई जेड है वो भी आपने ऐसे ही बनाना है, बस उसमें अपने हिसाब से आपने एंगल्स के या जो भी आप रेस के नियम लिखना चाहते हैं वो चेंज कर देने। ठीक है, एक क्वेश्चन और है उसके बाद एंड हो जाएगा इस एक्सरसाइज का, वो मैं क्वेश्चन आपको जस्ट बताने वाला हूँ, आपने खुद बना लेना है सिंपल, पहले क्वेश्चन के जैसा वो क्वेश्चन है लास्ट वाला, इसे आप कर लीजिए नोट डाउन। ठीक है, बैक करके देखते रहिए, जहां से आपके मिस हो गई है दोबारा देखिए वीडियो, फिर उसके बाद तो नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद वीडियो एंड और चैप्टर भी एंड। तो ये है हमारा लास्ट सम इस एक्सरसाइज का, बहुत ही सिंपल सम है। कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल हुज बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड। अदर साइड मतलब अगर बेस और हाइपोटेन्यूज दिए हुए हैं, सॉरी बेस दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज और अदर साइड कौन सी होगी, फिर परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर सम ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। तो ये सम वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया, रफ में एक जस्ट बना लो छोटा सा डायग्राम कन्फर्म करने के लिए कि हमें क्या दिया हुआ है। ट्रायंगल का नेम कुछ नहीं है तो हम इसको एबीसी लिख सकते हैं, हमें दिया हुआ है बेस मतलब कि बीसी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और सम ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड द अदर साइड, तो अदर साइड परपेंडिकुलर इन दोनों का सम दिया हुआ है, दैट इज ए बी प्लस ए सी दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। तो बात रही, ये तो सम फर्स्ट सम के जैसा ही है, एक बेस दिया हुआ है, दो साइड का सम दिया हुआ है, उसमें एक एंगल भी दिया हुआ था, इसमें गिवन है क्या, स्टार्टिंग में बताया गया राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल में एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, एंगल बी जो है इसमें 90 डिग्री दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, बीसी बनानी 12 सेंटीमीटर, ये डायग्राम बड़ा बनेगा इसलिए थोड़ा बड़े पेज पे बनाना है इसको। ठीक है,
12 सेंटीमीटर लेके ये एंगल 90 डिग्री पूरा ज्यादा बड़ा ले जाना आपने, ठीक है। ज्यादा बड़ा लेके जाने के बाद आपने 18 सेंटीमीटर पे ना कहीं पे जहां पे भी आपका आएगा स्केल के साथ मेजर करके मार्क करके आर्क लगा के इसको ज्वाइन कर देना। करने के बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, जहां पे ये कट करेगा उसको आपने ज्वाइन कर देना उसके साथ, जैसे हमने पहले किया वही स्टेप से सब कुछ वैसे ही होगा, ठीक है। ये खुद बनाना है आपने, फिर भी अगर नहीं बन पाएगा मुझसे पूछ लेना, बना लोगे तो मुझे दिखा देना कि सर देखिए ये करेक्ट है, तो आई विल चेक इट। तो इसी के साथ हमारी आज की जो वीडियो है हम यहीं पे खत्म करते हैं और हमारा ये जो चैप्टर है यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर है जो वो भी एक या दो वीडियो की ही मार है बस, वो भी कोशिश करेंगे अगर एक ही वीडियो में हो जाता है तो हम कर देंगे, अदरवाइज दो वीडियो तो लगेंगी, ठीक है। तो बी काम बी पेशेंट, हम ये आपके फाइनल एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लेंगे। जो बच्चे सोच रहे हैं कि यार ये स्लो चल रहा है काम, तो स्लो नहीं चल रहा है, क्या है कि आपको समझ में भी आना चाहिए, वीडियो बाय वीडियो जो एक फॉर्मेट बनना चाहिए, पहले एग्जांपल्स बाद में एक्सरसाइज, तो वैसे कर रहे हैं इसलिए आपको लग रहा होगा। अगर किसी बच्चे को ज़्यादा लग रहा है तो वो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, उसका कोई हल नहीं कर सकता। 9th क्लास में 10th क्लास में पहुँच चुके हैं, इतना तो होगा ही आपके लिए। तो थैंक यू वेरी मच। एंड एट द एंड मैं बोलना चाहूँगा कि सभी व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, इसी तरह से फॉलो करते रहिए और नेक्स्ट जो है मेरी वीडियो अपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स ला के दीजिए मुझे। जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना मुझे रिकमेंड करेंगे, उतना ही मुझे कोई देखेगा और हो सकता है सब्सक्राइब भी कर ले। तो आपका जो है साथ बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच अगेन टू ऑल द व्यूअर्स। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।